दोस्तों, आज बताने वाला हूँ आपको YT स्टूडियो में कस्टम थंबनेल कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए YT स्टूडियो, और इसमें कस्टम थंबनेल कैसे लगाते हैं। कस्टम थंबनेल लगाने के बाद से बहुत होता है कि प्रॉब्लम होता है, लगता ही नहीं है। लर्न मोर करके लिखता है कुछ इस तरह से, तो इसी तरह प्रॉब्लम होता है, फिर आपको सॉल्व करने का भी तरीका होता है। देखिए मैं ये YT स्टूडियो कोड खोला और ये हमें थंबनेल लगाना है, ठीक है। देखिए उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से फिर यहाँ पे वही आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर फिर क्लिक करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए थंबनेल, कस्टम थंबनेल दिखाई दे रहा है। कस्टम थंबनेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए इस तरह से आ जाता है, नहीं आता है, बोला टू ऐड कस्टम थंबनेल वेरीफाई योर अकाउंट ऑन यूट्यूब ऑन कंप्यूटर। तो बोला पहले इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लर्न मोर लिखा है, उसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। फिर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे उसके बाद से यहाँ पे देखिए अकाउंट इज वेरीफाइड, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा अकाउंट वेरीफाई के ऊपर। यहाँ पे इस सीधे इस लिंक पे लेके आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कंट्री इंडिया, उसके बाद से व्हाट इज योर फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मैं चलिए मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद से नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद से यहाँ पे कोड आएगा, कोड डालना होगा। तो चलिए मैं डालता हूँ मोबाइल नंबर, और उसके बाद से कोड लेके आता हूँ। तो देखिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया हूँ, और उसके बाद से गेट कोड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं गेट कोड के ऊपर क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद से तो देखिए वेरिफिकेशन कोड आ चुका है 2626। मैं कॉपी करता हूँ, फिर लाके मैं वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं कॉपी किया था, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद से मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए फ़ोन नंबर इज वेरीफाइड, कंग्रेचुलेशन योर फ़ोन नंबर हैज़ बिन वेरीफाइड, यहाँ देख सकते हैं। तो अभी हमारा ओके हो गया है। उसके बाद से मैं फिर थंबनेल लगा के देखता हूँ होता है कि नहीं, ठीक है। चलते हैं बैक करके आते हैं यहाँ पे YT स्टूडियो में। उसके बाद से कस्टम थंबनेल पर करेंगे तो अभी भी नहीं होएगा, क्योंकि हमें स्विच ऑफ करके फिर करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, स्विच ऑफ करता हूँ, फिर देखते हैं कि होता है कि नहीं, ठीक है। रोबोट करके मैं मोबाइल को रोबोट करूँगा। यहाँ पे देखिए रिस्टार्ट कर दिया हूँ, फिर खुलेगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अभी स्विच ऑफ होके खुल गया, रोबोट करके पूरा खोल दिया हूँ, रिस्टार्ट हो गया था। अभी फिर इसको मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो मैं YT स्टूडियो को खोल रहा हूँ, फिर मैं ये वाला वीडियो को मैं देखता हूँ ट्राई कर। यहाँ पे पेंसिल का आइकन फिर लगाता हूँ। उसके बाद से फिर यहाँ पे उसके बाद से कस्टम थंबनेल इसके ऊपर मारता हूँ। उसके बाद से जो मैं थंबनेल के लिए वीडियो बनाया था, ये देखिए ये वाला फोटो लगाया था थंबनेल के लिए, तो इसके ऊपर सेलेक्ट करके उसके बाद से मैं सेव कर देता हूँ। और उसके बाद से फिर देखते हैं, ये देखिए सेव हो गया, एडिट सेव। तो इस तरह से आप कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं 100% रिप्लाई दूंगा, ठीक है।